वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं फ्राइड राइस रेसिपी। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए होंगे सबसे पहले उबले हुए राइस, आपको बॉईल करके रख लेने हैं राइस। और उसके बाद हमें वेजिटेबल्स में चाहिए होगी बंद गोभी कटी हुई, गाजर, फूलगोभी कटी हुई, टमाटर कटे हुए। आप चाहते तो और वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हैं, शिमला मिर्च या कुछ और। अब आपको मसालों में मैं बता देती हूँ आपको चाहिए होगा। आपको चाहिए होगा नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला अगर आप यूज करना चाहते हैं तो, नहीं भी तो भी चलेगा। धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए, अदरक, लहसुन, प्याज, तेल और अजीनोमोटो आपको चाहिए होगा, कटी हुई हरी मिर्च। सॉसेस में मैं रेड सॉस यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो चिल्ली, सोया सॉस और भी कोई सॉस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जरा सिंपल वे में बता रही हूँ कि सिंपल वे में हमें फ्राइड राइस कैसे बनानी है अगर हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है तो। तो आइए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपको कढ़ाई में आग गर्म होने को रख देना है। मैं आपको सोया सॉस का एक बेनिफिट बता देती हूँ। बेसिकली जो सोया सॉस है वो इसलिए यूज होती है, वो आपकी कलर देती है राइस को। तो अगर आप सोया सॉस नहीं यूज करना चाहते कलर के लिए तो आप हल्की सी हल्दी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको सॉस के बारे में बता रही थी, सोया सॉस कलर के लिए यूज होती है। वैसे जो आप टोमेटो यूज करोगे और टोमेटो सॉस यूज करोगे वो भी आपके चावलों को अच्छा कलर दे देगी। तो अगर आप नहीं भी यूज करना चाहते सोया सॉस तो भी आपकी फ्राइड राइस बन जाती है। तो चलिए, कढ़ाई में तेल गर्म होने को रख दिया था, अभी हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अदरक और लहसुन। इनके पकने पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी प्याज। बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन करना है हमने इन्हें। हरी मिर्ची लाइट ब्राउन होने पर हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये आपकी बंद गोभी मैंने डालनी है, आपको जितनी ज्यादा वेजिटेबल्स यूज करनी है आप कर सकते हैं। गाजर, इनमें हम हल्की सी नमक डाल लेंगे ताकि इन्हें पकने में ज्यादा टाइम ना लगे। इसलिए थोड़ी सी अजीनोमोटो भी मैं साथ में यूज कर ले रही हूँ, एक टेबल स्पून। कई लोग फ्राइड राइस बिना अजीनोमोटो यूज किए भी बनाते हैं, आप बिना अजीनोमोटो यूज किए भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे ढक दें, चाहें तो पानी ऐड करके भी पका सकते हैं। मैं इसे ढक दे रही हूँ कम से कम 5 मिनट के लिए। अभी पक चुका है, हम चेक कर लेते हैं। सब्जी आपकी पक चुकी है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने इसलिए लास्ट में डाले हैं ताकि ये पिघले नहीं और चावल के साथ नजर आए। अब आपने इसमें चावल डाल देने हैं। और आपने इन्हें मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने पर आपने इसमें सॉसेज ऐड कर देनी है। मैं आपको पहले भी कहा था कि आपके जो सॉस है वो अच्छा कलर दे देती है राइस को।
धनिया पत्ता डाल के थोड़ी देर 1 से 2 मिनट ढक दें। दो मिनट के लिए ढक रही हूँ मैं इसे। अब मैं इसे हटा रही हूँ ढक्कन को। अभी आपकी फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। इसे आप मंचूरियन के साथ खा सकते हैं या दाल के साथ भी खा सकते हैं, सॉसेस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है फ्राइड राइस रेसिपी। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं, सजेशन बॉक्स में सजेस्ट जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी इसके बाद की बताऊंगी वो है मंचूरियन। तो वेट करें मेरी अगली अपडेट का। थैंक यू सो मच।